1 मई 2024 दोपहर 1:50 पर बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए फायदा क्या रहेगा, पहले मानसिक और आर्थिक तौर पर समझ लीजिए। मानसिक बल आपका बहुत मजबूत रहने वाला है। कोई आपको कितना भी डराए, कोई आपके ऊपर कितना भी हावी होने की कोशिश करे, इस साल वह आपसे जीत नहीं पाएगा। ये तो रही आपकी मानसिक शक्ति। इसके अलावा आर्थिक परिस्थिति पर नज़र डालें तो आर्थिक स्थिति आपकी इस साल बहुत मजबूत रहने वाली है पिछले साल के मुकाबले। आपने अपने काम में जितना, यानी अपने प्रोफेशन में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अब ये समय आपके लिए लाभ इकट्ठा करने वाला होगा। कॉम्पिटिटर्स आपसे जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनको अभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको गुपचुप तरीके से किसी प्रकार से आपको किसी षड्यंत्र में फंसा करके आपका नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए आप मानसिक तौर पर तो अच्छे रहेंगे, आर्थिक तौर पर आपको इनसे सावधानी फिर भी रखनी ही होगी। इसके बाद बारी आती है आपके पारिवारिक के तौर पर। परिवार में इस साल आपके बढ़ोतरी की उम्मीद है। आपके घर में मंगल कार्य होंगे, जैसे शादी से संबंधित या किसी बच्चे का जन्म उत्सव से संबंधित कोई ना कोई आपके घर में मंगल कार्य होने की उम्मीद है, जिससे परिवार में भी बढ़ोतरी होगी, लाभ और धन में भी आपकी बढ़ोतरी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं व्यापार, करियर और नौकरी के तौर पर। आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके क्लाइंट्स इस साल आपको मुनाफा देने के मूड में बैठे हुए हैं। आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अपनी नॉलेज के मामले में आपको किसी को हल्का नहीं समझना। अपनी नॉलेज पर आपकी इन्वेस्टमेंट लगातार होती रहनी चाहिए थी। यदि आप पीछे करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जारी रखिए, और नहीं किया है तो आपको इस साल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सेहत के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, आपका इस साल वजन बढ़ने की उम्मीद है, तो अपने वजन पर नियंत्रण रखें। एक आपके पैरों में जहाँ पर हम जूते पहनते हैं वहाँ पर आपको किसी प्रकार के अचानक चोट लगने की उम्मीद भी हो सकती है, और आपके ससुराल परिवार की तरफ से आपको अचानक किसी तरह की खबर का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको इन दोनों मामलों में सावधानी रखनी है, और पैसा इस साल आपको किसी को उधार देना नुकसान साबित करा सकता है, इसलिए इस मामले में आपको धैर्य रखना होगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के किसी भी नाम का 108 बार लगातार जाप करना फायदेमंद देगा।